सहनी जी कह रहे कि हमारे साथ भाजपा ने बड़ा गलती किया, तीनों विधायक अपने पास कर लिए। सहनी जी पर मैं कहा कि कुछ नहीं मैं बोलूंगा। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बोछा चुनाव के रिजल्ट के बाद मुकेश सहनी का भी जोश आई है और वो कह रहे हैं कि हम जिधर रहेंगे उसी की नैया पार होगी, बाकी सारे डूब जाएंगे, और भाजपा वाले को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं वो। हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। मुकेश सहनी, तो आप लोग को बोछा में ले डूबे? देखिए, हम लोग को मुकेश सहनी नहीं ले डूबे, वो अपने आप को ले डूबे, भस्मासुर का रोल में रहे। अच्छा। और मुझे मुकेश सहनी जी पर कुछ नहीं बोलना है जी। अच्छा, वो कह रहे थे कि जिनके साथ रहेंगे नैया उनकी पाल लगाएंगे। अब सवाल दूसरा है कि तेजस्वी ने दावत में बुला लिया है उन लोगों को, वो उन्हीं से पूछिए कि किनका किनका नैया पार कराए और किसका किसका बुलाए। वो अपने अपना नैया पार कराए कि अपना नैया भी बुला लिए। अच्छा अरविंद जी, लास्ट दो सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अब वो तेजस्वी राजद की तरफ से आ गया कि बिना शर्त आ जाएं तो हम साथ ले लेंगे भाई, तो तेजस्वी ने दावत भी भेज दिया इफ्तार पार्टी का, तो नहीं लगता कि अब राजद के साथ जाएंगे तो भाजपा को इसको थोड़ा नुकसान हो जाएगा? पहले भी तो राजद उनको सिलेंडर करा के रखे हुए था और फिर जो है सिलेंडर करा के वो बुला रहा है। राजद तो परिवारवाद की पार्टी है जी, उनके परिवार के अनुसार अगर आपको चलना है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, नहीं तो जहाँ अपना जो है थोड़ा सा भी दिखाइएगा वहाँ से खंजर ठोक देगा। अच्छा, तो वो तो मगर सहनी जी कह रहे कि हमारे साथ भाजपा ने बड़ा गलती किया, तीनों विधायक अपने पास कर लिए। सहनी जी पर मैं कहा कि कुछ नहीं मैं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, तो ये नहीं लगता कि तेजस्वी एक पूरा गेम सेट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी गेमे पर तो आज तक वो कुछ किए हैं, वो आंदोलन थोड़े कोई किए हैं। अच्छा। वो बिहार के लिए क्या किए हैं? आप लोग के लिए खतरा तो बन रहा होगा? कोई खतरा नहीं है, वो अपने आप के लिए अपने खतरा है, अगला दफे वो विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेंगे। अगला दफा विपक्ष में रहने लायक भी नहीं? ना ना। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ अरविंद सिंह जो मौजूद थे उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भस्मासुर का रोल प्ले किया है मुकेश सहनी ने भाजपा को नहीं खुद को डुबाया है। मुकेश सहनी पे ज़्यादा हम जवाब नहीं देंगे, मुकेश सहनी के बारे में जब हम सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। खतरा है, ये खतरा मानते हुए ये भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं मान रहे थे, तो भाजपा भी मानती है कि जिस तरह से तेजस्वी ने जो गेम सेट किया है, मुकेश सहनी अगर साथ आ गए, चिराग साथ आ गए, तो खतरा भाजपा के लिए हो सकते हैं। मगर अब क्या होगा? देखिए, बिहार की राजनीति कल के इफ्तार पार्टी पर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि कल के इफ्तार पार्टी में सभी नेता आएंगे और कहा जाता है कि चूड़ा दही और इफ्तार, यही दो बिहार की राजनीति तय करता है कि कौन आने वाले वक्त में किधर जाएगा। अब कौन किधर जाएगा कल शाम, इस बात की सुगबुगाहट तेज़ हो जाएगी। हम आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे, मगर जिस तरह से सहनी ने 30,000 के आसपास का वोट लाया है, भाजपा को डैमेज तो किया है, और भाजपा भी अंदर ही अंदर इस चीज़ को महसूस करते हुए सहनी पे बात करने से इनकार करती है। आपको क्या लगता है, क्या सहनी और तेजस्वी साथ आ गए तो खेला हो जाएगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत